हेलो वेलकम टू पीकी ट्यूटोरियल्स सो टुडे आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फंक्शन फंक्शन की अकसाम या इनकी जो किस्में हैं सो लेट्स बिगिन सो टाइप्स ऑफ फंक्शन या इसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन भी कह सकते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं और कुछ टाइप्स है जो मिक्स टाइप है uh, इसको हम देखते हैं इस लेक्चर में सो so फर्स्ट है हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन या इसको हम कह सकते हैं वन टू वन फंक्शन सेकेंड है सरजेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन थर्ड है हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन वन टू वन करस्पॉन्डेंस भी इसको कह सकते हैं ये तीन मेन टाइप्स हैं और इसके अलावा जो कुछ टाइप्स या प्रॉपर्टी कह सकते उसको आ, हम जो पढ़ेंगे इस लेक्चर में नेक्स्ट बल्कि नेक्स्ट लेक्चर में इनवर्स फंक्शन इसके बाद एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी फंक्शन को इकट्ठा करना और जो लास्ट कुछ एक छोटा सा है फ्लोर एंड सेलिंग फंक्शन तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर तो ये सारे हमारे पास टाइप्स या प्रॉपर्टीज हैं फंक्शन के सो इंजेक्टिव फंक्शन व्हाट मीन्स बाय इंजेक्टिव फंक्शन ए फंक्शन एफ ए मेप्स टू बी सेट टू बी टू वन आर इंजेक्टिव फंक्शन इफ एंड ओनली ए हमारे पास सेट है उसके दो एलिमेंट है एक्स एंड वाई सो फॉर ऑल एलिमेंट एक्स एंड वाई ऑफ ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई जो फंक्शन है हमारे पास इन दोनों के एफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई मैप्स टू इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई ठीक है कि ये हमारे पास अगर एक्स वाई इक्वल है तो इसके जो फंक्शन है वो भी इक्वल हो सो वॉट इट मीन्स इन अदर वर्ड्स या हम कह सकते हैं कि इफ इज वन टू वन इफ एंड ओनली इफ इट डज नॉट मेप टू डिस्टिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड टू द सेम एलिमेंट ऑफ बी कि हर कोई जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट बी के डिटेंक मीन्स के एक एलिमेंट को दो एट ए टाइम मैप नहीं करेंगे एग्जाम्पल हम समझाते हैं नेक्स्ट जो लास्ट हम एग्जाम्पल फंक्शन में पढ़ा था फॉर एग्जाम्पल ये एफ ऑफ uh, अली है हमारे पास और इसका जो एड्रेस था उसमें हमने पेशावर साइन किया हुआ था बासित को कराची और सानिया को इस्लामाबाद और सलमान को कराची ये लास्ट हमने दिया था इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू रखते हैं अब इसकी मैपिंग करते हैं अब देखिए अली जो मैप कर रहा है आ, ये फर्ज करेगा हमारे पास सेट ए है और ये बी है कोई भी दो सेट है तो सेट ए का जो अली है वो मैप कर रहा है पिशावर को बासित कराची को सानिया इस्लामाबाद को और सलमान कराची को अब लाहौर है वो किसी को नहीं कर रहा है अब हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन जो है इस एफ वन टू वन फंक्शन जो हमने अभी डिफिनीशन पढ़ा कि वो यूनिकली डिस्टिंग एलिमेंट को मैप कर रहा होगा सो so, नो no. इसका जो जवाब है नो क्योंकि हमारे पास जो और सलमान हैं वो दोनों बी के डिस्टेंस एलिमेंट यानी कराची को मेप कर रहे हैं इनके जो इमेजेस है दोनों के बासत और सलमान के सेम एड्रेस से बिलोंग करते हैं तो ये हमारे पास इंजेक्टिव या वन टू तो वन फंक्शन नहीं है सो so, बासित सलमान द सेम एलिमेंट ऑफ एम एच ठीक है सो so, सिंपल था है लेट्स uh, सी uh, इस एग्जांपल को चेंज करते हैं थोड़ा सा uh, अब uh, एफ की जगह हम जी एक और फंक्शन लेते हैं जी एफ अली डेटा हमारे पास सेम है uh, जी एफ बासित कराची जी अफ सान इस्लाम आबाद जी सलमान लाहौर तो अब जो मैप कर, exactly कर रहा है अब देखिए ये वन टू वन है एग्जैक्टली वन एलिमेंट हर एक वन को मैप कर रहा है कोई भी जो सेट uh, ए के एलिमेंट है उस सेट बी के एक एलिमेंट को एट ए टाइम या डिस्टेंस uh, को मैप नहीं कर रहे हैं सो हेयर जो क्वेश्चन है कि इज जी वन टू वन यस इच एलिमेंट इज साइंड ए यूनिक एलिमेंट ऑफ द इमेज ये जो बी का इमेज है हर एक को हम यूनिक एलिमेंट मैप कर रहा है सो so, ये हमारे पास एक इंजेक्टिव फंक्शन है सो हाउ वी कैन प्रूव दैट ए फंक्शन इज वन टू वन ये तो हमने मैप से देखा अगर हमारे पास कोई हो तो इक्वेशन टाइप के उसको हमने कैसे प्रूव करना है कि ये वन टू वन है कि नहीं वेन एवर यू वॉन्ट टू प्रूव समथिंग फर्स्ट टेक लुक एट द रिलेवेंट डिफिनीशन तो हमने डिफिनीशन को देखना है ये जो हमने अभी डिफाइन किया था फॉर ऑल ये सिंबल है हमने पढ़ा था फॉर ऑल जो क्वान्टिफायर है एक्स

तो ये हमारे पास एक फंक्शन है अब इसको देखें कि ये हमारे पास वन टू वन है कि नहीं है अब इसके जो हमने प्रूफ के मेथड्स पढ़े थे इसमें से एक डिसप्रूफ बाई काउंटर एग्जाम्पल था तो ये सबसे आसान तरीका है कि आप कोई भी काउंटर एग्जाम्पल लेके उसमें ये सेटिस्फाइ नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे पास ये डिस्प्रूफ हो जाता है कि ये वन टू वन है कि नहीं है अब एग्जाम्पल लेते क्योंकि ये हमारे पास रियल नंबर हैं एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस थ्री क्योंकि हमारे पास एक्स है और इसका हम अगर माइनस थ्री ले लें बट थ्री इज नॉट इक्वल टू माइनस थ्री क्योंकि अगर इधर हम एफ ऑफ थ्री ले लें और इधर भी माइनस थ्री ले लें दोनों साइड के तो माइनस थ्री का जो स्क्वायर होता है वो भी थ्री आता है तो एफ ऑफ थ्री ऑफ एफ ऑफ माइनस थ्री की जो वैल्यू होगा वो सेम आएगा ये फर्ज कराम वाई है एक्स की जगह अगर आप ले, ले या माइनस तीन ले लें तो y की वैल्यू दोनों सिचुएशन में हमारे पास तीन आएगा बट थ्री इज नॉट इक्वल टू माइनस थ्री तो ये हमारे पास एक यूनिक एग्जाम्पल आ गया कि ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है सो इस काउंटर एग्जाम्पल से ही हमारे पास प्रूव हो गया कि ये वन टू वन नहीं है तो ये जितने भी मेथड हमने पढ़े थे प्रूफ मेथड किसी भी मेथड से आप इसको प्रूव करा सकते हैं बट ये सबसे कोई भी एग्जाम्पल इस तरह ढूंढ ले तो ये बहुत आसान होता है अनदर एग्जाम्पल से इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं फॉर एग्जाम्पल एफ हमारे पास रियल नंबर टू रियल नंबर एक है uh, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास थ्री एक्स है लास्ट टाइम हमारे पास स्क्वायर था तो इस दफा हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है थ्री एक्स लिया हुआ है सो वन टू वन फंक्शन जो डिफिनीशन है जो हमने अभी पढ़ा टू शो दैट एफ ऑफ़ एक्स इज नॉट इक्ल टू एफ ऑफ वाई वेन एवर एक्स इज नॉट इक्ल टू वाई अब इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ अगर हम ये प्रूफ करें कि एफ ऑफ एक्स वाई बराबर नहीं है एफ एफ वाई के तो एक्स वाई बराबर नहीं होगा इनके कैसे फॉर एग्जाम्पल ये हम लेते हैं कि एक्स इज नॉट इक्ल टू वाई कि एक्स जो है हमारे पास वो वाई के बराबर नहीं है सो इट मीन्स दैट थ्री एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री वाई क्या जो ये हमारे पास है थ्री एक्स ये भी बराबर नहीं है कैसे फॉर एग्जाम्पल अगर x की वैल्यू हम ले लें फोर तो थ्री एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास इसकी वैल्यू हम आएगी हमारे पास ट्वेल्व अब अगर y को हमने भी फोर लिया तब जाके वो ट्वेल्व आएगी अब अगर y को हमने चार नहीं लिया माइनस चार लिया जिस तरह हमने लास्ट एग्जाम्पल में लिया था तो हमारे पास माइनस ट्वेल्व आएगी तो इट मीन्स कि अगर x और y बराबर ना हो क्योंकि ये हमारे पास रियल नंबर के सेट हैं तो कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं तो इस तरह कोई डिजिट अवेलेबल नहीं है रियल नंबर में कि हम इसको y की जगह x के मल्टीप्लाई करें और उधर भी हमारे पास 12 आ जाए तो इट मीन्स कि जब तक x और y आपस में बराबर ना हो अगर बराबर नहीं है तो 3x और 3y भी बराबर नहीं होंगे क्योंकि जो भी वैल्यू लेते हैं अगर x को वैल्यू को कोई भी डिजिट लेते हैं फ्रॉम रियल नंबर्स तो y को भी वही नंबर देना होगा तब जाके क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन है एक वैल्यू को अगर थ्री से मल्टीप्लाई करते दूसरी वैल्यू भी थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ता है लास्ट एग्जांपल में अब अगर माइनस ले, ले ले तो दोनों तफर पे माइनस ही आएगा लास्ट uh, एग्जाम्पल में स्क्वायर था तो स्क्वायर की वजह से जो माइनस का स्क्वायर था वो हमारे पास प्लस आता था सो इस सिचुएशन में एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई ठीक है सो इफ तो ये हमारे पास प्रूफ गया इनडायरेक्ट प्रूफ आ गया हमारे पास इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई देन एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एफ वाई सो देट इज एफ इज वन टू वन सो ये जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इन रियल नंबर सेट फ्रॉम रियल नंबर सेट टू रियल नंबर सेट ये हमारे पास एक वन टू वन फंक्शन है सो so, ये हमारे पास प्रूफ का मेथड सो एनादर एक दूसरी है डिफिनीशन हमारे पास इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन अ फंक्शन एफ ए मेप्स टू बी विद ए बी इज अ सबसेट ऑफ आर जो ए और बी अगर हमारे पास सबसेट हो आर के यानी रियल नंबर के दोनों सेट

तो इट मीन्स कि ये हमारे पास एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है यानी अगर y की वैल्यू इधर इंक्रीज हो रही है तो इधर भी इंक्रीज हो रही है x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इधर इंक्रीज हो रही है ठीक है तो इसको हम नॉर्मली कहते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इसी तरह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ अगर x की वैल्यू y से लेस है और इधर जो फंक्शन है वो उल्टा है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ वाई से बढ़ रही है तो इसको हम कहते हैं है कि इधर की वैल्यू बड़ी है और इधर की वैल्यू कम हो रही है यानी हो रही, इधर की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी ठीक है तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर एग्जाम्पल एफ आफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ये हमारे पास फंक्शन है आ, ये जो फंक्शन है आ, का uh, जो होता है जिस uh, तरह यह ऊपर जाता है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वाई इज इक्वल टू या एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर तो यह हमारे पास क्या है यह हमारे पास स्ट्रिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है बट फार आर पॉजिटिव टू पॉजिटिव ये जो है हमारे पास जो सेट है ए और B ये रियल नंबर हो लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर हो तो उसके लिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है सो so, ये भी कीप इन माइंड के ओब्वियसली ए फंक्शन दिट इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज वन टू वन तो इसके लिए जरूरी है कि ये फंक्शन हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन होगा यानी वन टू वन होगा आइदर क्या करो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग दोनों सूरत में हो वन टू वन फंक्शन ही होगा अच्छा नोट करें कि जो वर्ड है हमारे पास ये स्ट्रीकली का इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो ग्रेटर देन और इक्वल के साइन होंगे यही होंगे बट नॉट इक्वल टू ये हमेशा इसलिए कहते हैं कि जो ग्रेटर इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग स्ट्रीकली होगे इधर इधर इसके साथ दोनों साइडों पे हमारे पास कोई भी इक्वल या ग्रेटर देन का ये साइन नहीं होगा यानी इक्वल नहीं हो सकती है हमेशा के लिए लेस या ग्रेटर ही होंगे इसलिए इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कहते हैं आ, ये जो दु, दु, सेकंड है डिक्रीजिंग का इसका वन ओवर एक्स का जो है वन ओवर एक्स का तो हमारे पास डिक्रीज होता है एक इंक्रीज आ, हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है ठीक है तो ये उसका एग्जाम्पल हो सकता है ओके थैंक्स गाइस लाइक And share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.